गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल बाल मंदिर मंदिर के के इस इस YouTube YouTube चैनल चैनल में में आपका आपका स्वागत स्वागत है। है। तो तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हम हम लोग लोग बात बात कर कर रहे रहे थे थे गोलीय गोलीय चालक चालक की की धारिता, धारिता, और और इसका इसका हमने हमने एक एक फॉर्मूला फॉर्मूला डिराइव डिराइव किया किया था, था, और और फॉर्मूला फॉर्मूला क्या क्या आया आया था था अपने अपने पास? पास? सी सी इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू 4 4 पाई पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट इनटू इनटू आर आर या या आर आर अपॉन अपॉन के। के। ये ये फॉर्मूला फॉर्मूला हम हम लोगों लोगों ने ने क्या क्या किया किया था, था, डेराइव डेराइव किया किया था, था किसके किसके लिए? लिए? गोली गोली चालक चालक की की धारिता धारिता के के लिए, लिए, ठीक ठीक है। है। और और इसमें इसमें एक एक और और चीज, चीज, तो तो यहाँ यहाँ पर पर जो जो धारिता धारिता है है वो वो किसके किसके समानुपाती समानुपाती आती आती है? है? सी सी समानुपाती समानुपाती आर, आर, किसके किसके आती आती है? है? सी सी समानुपाती समानुपाती आर, आर, अर्थात अर्थात धारिता धारिता किसी किसी गोलीय गोलीय चालक चालक की की धारिता, धारिता, किसी किसी गोलीय गोलीय चालक चालक की की धारिता धारिता उसकी उसकी त्रिज्या त्रिज्या के के उसकी उसकी त्रिज्या त्रिज्या के के समानुपाती समानुपाती होती होती है, है, उसकी उसकी त्रिज्या त्रिज्या के के समानुपाती समानुपाती होती होती है, है, अर्थात अर्थात त्रिज्या त्रिज्या को को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे धारिता धारिता 100%100% क्या क्या होगी? होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो तो ये ये हम हम लोगों लोगों ने ने एक एक डेरिवेशन डेरिवेशन कंप्लीट कंप्लीट कर कर लिया। लिया। अब अब आगे आगे देखो देखो कुछ कुछ नए नए इफेक्ट इफेक्ट आपको आपको और और बताता बताता हूँ। हूँ। अब अब जैसे जैसे मान मान लो लो हमारे हमारे पास पास एक एक गोलीय गोलीय चालक चालक है, है, उसकी उसकी त्रिज्या त्रिज्या है है 1 मीटर।1 मीटर। त्रिज्या त्रिज्या कितनी कितनी है? है? 1 मीटर। वन मीटर। एक एक सेकेंड सेकेंड आप आप चालू चालू करता करता हूँ। हूँ। त्रिज्या त्रिज्या कितनी कितनी है? है? 1 मीटर।1 मीटर। ठीक ठीक है, है, तो तो आर आर इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू हमको हमको दे दे दिया दिया 1 मीटर।1 मीटर। अब अब हम हम लोग लोग धारिता धारिता सी सी इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू क्या क्या होता होता है? है? आर आर अपॉन अपॉन के के 1 अपॉन 9 इनटू 10 की पावर 9। इसको इसको ऊपर ऊपर लाए लाए 10 10 की की पावर पावर 9 नाइन अपॉन अपॉन 9 नाइन या या 0.1 0.1 इंटू इनटू 10 10 की की पावर पावर माइनस माइनस 9 9 है। है। सोच सोच लो लो कि कि 1 मीटर1 मीटर त्रिज्या त्रिज्या का का गोले गोले की की धारिता धारिता 10 10 की की घात घात माइनस माइनस 9 9 या या 0.1 0.1 पिक पिक नैनो नैनो फेरेड। फेरेड। सोच सोच लो लो कितनी कितनी स्मॉल स्मॉल है। है। तो तो फेरेड फेरेड कितना कितना बड़ा बड़ा मात्रक मात्रक है? है? सोच सोच लो लो इस इस चीज चीज को को कि कि फेरेड फेरेड कितना कितना बड़ा बड़ा मात्रक मात्रक है। है। अगर अगर हम हम बात बात करें करें पृथ्वी पृथ्वी की की धारिता धारिता की, की, किसकी किसकी बात बात करें? करें? पृथ्वी पृथ्वी की की धारिता धारिता की। की। तो तो पृथ्वी पृथ्वी की की धारिता धारिता की की अगर अगर हम हम बात बात करें करें तो तो पृथ्वी पृथ्वी की की त्रिज्या त्रिज्या होती होती है है 6400। 6400। वैसे वैसे पॉइंट्स पॉइंट्स में में होते होते पर पर कैलकुलेशन कैलकुलेशन में में आप आप लोग लोग क्यों क्यों मानते मानते हो? हो? या या इसको इसको लिख लिख सकते सकते हैं हैं सिक्स 6.4 पॉइंट फोर इंटू इंटू 10 टेन की की पावर पावर 6 सिक्स पॉइंट पॉइंट के के 3 तीन और और किलोमीटर किलोमीटर का का मीटर मीटर क्या क्या 3 3 10 10 की की घात घात कितनी कितनी होगी? होगी? 6। 6। अब अब धारिता धारिता निकालोगे निकालोगे तो तो 6.4 6.4 इंटू इंटू 10 10 की की पावर पावर 6 6 अपॉन अपॉन 9 9 इंटू इंटू 10 10 की की पावर पावर 9। 9। इसको इसको अगर अगर सॉल्व सॉल्व करने करने हम हम लोग लोग बैठे बैठे हैं हैं या या आपके आपके सामने सामने इसको इसको सॉल्व सॉल्व करके करके एक एक बार बार करें, करें, इसको इसको जब जब सॉल्व सॉल्व किया किया तो तो आंसर आंसर आता आता है है आपके आपके 711 711 इंटू इंटू 10 10 की की घात घात माइनस माइनस 6 6 फेरेड फेरेड या या 711 711 माइक्रो माइक्रो फेरेड। फेरेड। अब अब सोच सोच लो लो पृथ्वी पृथ्वी की की धारिता धारिता का का जो जो कि कि हम हम अनंत अनंत मानते मानते हैं, हैं, और और यहाँ यहाँ पर पर जब जब कैलकुलेट कैलकुलेट कर कर रहे रहे हैं हैं तो तो कितनी कितनी आ आ रही रही है? है? 711। 711। तो तो सोच सोच लो लो फेरेड फेरेड धारिता धारिता का का कितना कितना बड़ा बड़ा मात्रक मात्रक है है जैसे जैसे पृथ्वी पृथ्वी जितनी जितनी विशाल विशाल चालक चालक की की धारिता धारिता 711 711 माइक्रो फेरेड माइक्रोफेरेड हमको हमको प्राप्त प्राप्त हुई हुई है। है। तो तो सोच सोच लो लो फेरेड फेरेड धारिता धारिता का का कितना कितना बड़ा बड़ा मात्रक मात्रक है। है। इसको इसको आप आप अच्छे अच्छे से से स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले ले लें लें इस इस पूरी पूरी चीज चीज का। का। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले ले लें। लें। हो हो गया गया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। अब अब हम हम एक एक टॉपिक टॉपिक पढ़ने पढ़ने वाले वाले हैं। हैं। टॉपिक टॉपिक का का नाम नाम है है संधारित्र। संधारित्र। क्या क्या नाम नाम है है टॉपिक टॉपिक का? का? टॉपिक टॉपिक का का नाम नाम है है संधारित्र। संधारित्र। समझना, समझना, एक एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक है। है। उस उस टॉपिक टॉपिक को को हम हम किस किस नाम नाम से से जानते जानते हैं? हैं? उस उस टॉपिक टॉपिक को को हम हम संधारित्र संधारित्र के के नाम नाम से से जानते जानते हैं। हैं। क्या क्या कैपेसिटर? कैपेसिटर? किस किस नाम नाम से से जानते जानते हैं? हैं? संधारित्र संधारित्र या या कैपेसिटर? कैपेसिटर? इस इस संधारित्र संधारित्र या या कैपेसिटर कैपेसिटर की की अगर अगर हम हम लोग लोग बात बात करें करें तो तो इसकी इसकी जरूरत जरूरत क्या क्या है? है? देखो, देखो, एक एक तो तो धारिता धारिता चालक चालक की की धारिता धारिता क्या क्या होती होती है? है? देखो, देखो, चालक चालक की की धारिता धारिता अत्यंत अत्यंत कम कम होती होती है। है। क्या क्या होती होती है? है? अत्यंत अत्यंत कम कम होती होती है। है। एक एक तो तो ये ये चीजें चीजें हैं हैं कि कि हमें हमें ज्यादा ज्यादा धारिता धारिता का का चाहिए चाहिए इसके इसके लिए लिए हम हम किसका किसका उपयोग उपयोग करते करते हैं? हैं? संधारित्र। संधारित्र। दूसरा, दूसरा, आप आप लोगों लोगों ने ने देखा देखा होगा होगा संधारित्र संधारित्र जनरली जनरली पंखे पंखे में में लगा लगा होता होता है, है, मोटर मोटर में में लगा लगा होता होता है, है, तो तो काफी काफी सारे सारे उपकरण उपकरण में में लगा लगा होता होता है। है। इसका इसका काम काम क्या क्या होता होता है? है? इसका इसका एक एक काम काम तो तो होता होता है है आवेश आवेश को को संचित संचित करना। करना। क्या क्या होता होता है है आवेश आवेश को को संचित संचित करना? करना? और और ये ये चालक चालक की की तुलना तुलना में में ज्यादा ज्यादा आवेश आवेश
अत्यधिक आवेश संचित करता। चालक की तुलना में अत्यधिक आवेश संचित करता है, एक तो खास करके और दूसरा ये जो आवेश संचित करता है उस आवेश को एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे देखो देखो पंखे में देखो संधारित्र का काम होता है पंखा मोटर को स्टार्ट करने का, चालू करने का। मतलब जैसे मान लो किसी संधारित्र के पास कुछ आवेश है, बैटरी के पास जो आवेश होता है ना वो आवेश एक एक करके धारा के रूप में बहुत स्लोली स्लोली खर्च होता है, पर संधारित्र का आवेश होता है इसको मैं एक साथ ही स्टार्ट कर सकता हूँ। समझना, हमें जो पंखा होता है उसको स्टार्ट करने के लिए 5 से 6 एम्पीयर की करंट चाहिए, और नॉर्मली घर में करंट कितनी होती है 2 से 3। 2 से 3 में पंखा चल सकता है, पर जब पंखे को स्टार्ट करना है ना, उसको जब चालू करना है ना, तब हमको कितनी करंट चाहिए, 5 एम्पीयर से 6 एम्पीयर। तो वो हमें कौन देता है, एक्स्ट्रा करंट, संधारित्र। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, क्यू एक साथ जितना ज्यादा क्यू होगा धारा का मान उतना क्या होगा ज्यादा होगा। तो संधारित्र के पास जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को एक ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। उस ऊर्जा को एक ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। यही संधारित्र का क्या होता है, कार्य होता है। तो संधारित्र का काम क्या होता है, आवेश को संचित करता है और आवेश को एक साथ हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। हमने जितना भी जैसे बैक कैमरे में फ्लैश जो होता है, कैमरे का फ्लैश, उसमें देखा ना एक ही झटके के लिए कितनी ज्यादा लाइट आती है, फिर देखते हो अचानक बैटरी का मोबाइल का फ्लैश बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि संधारित्र ऊर्जा यूज करता है, फिर वापस क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है। तो संधारित्र का जो काम होता है, संधारित्र का काम एक तो आवेश को संचित तो करता ही है, दूसरा इसका मेन काम क्या है कि उस आवेश को हम लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ध्यान। ठीक है, अब संधारित्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको नोट्स में लिखना होता है इस चीज का, भले आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखें जी, ये संधारित्र, ये परिभाषा एक एक करके इसकी बात करेंगे, तो आप नोट करते रहना। कोई संधारित्र, अब इधर देखें मैं मार्कर कलर चेंज कर लेता हूं, कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों, यहां पर एक शब्द है, दो चालकों का एक और विद्युत रोधी माध्यम, माध्यम कैसा होना चाहिए, विद्युत रोधी, एक निकाय होता है, यह विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को बड़ी मात्रा में एक छोटे से स्थान पर संरक्षित करने की व्यवस्था होती है। विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है, संरक्षित करता है, ये होता है संधारित्र, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो विद्युत रोधी, दो चालक, जो विद्युत रोधी, जैसे ये एक चालक है और एक दूसरा, इसके बीच में क्या विद्युत रोधी माध्यम है, निर्वात हो गया या कोई माध्यम हो गया, या ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, इसका सिद्धांत क्या, एग्जाम में पूछा हुआ है संधारित्र के सिद्धांत को क्या को समझो, ऐसा की खास बात है संधारित्र में, क्या इसकी विशेषता होती है कि अधिक मात्रा में ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है। तो सबसे पहले इस परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसमें दो चीजें इसको ताकि ये कर दूं, ताकि आपको दिखने में, अब आगे हम सिद्धांत समझते हैं, सिद्धांत को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं अच्छे से, आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले ले इसका, अब देखो सिद्धांत क्या कहता है वो समझते हैं। अच्छा, धातु की एक प्लेट ही, यहाँ सबसे पहले मैं डायग्राम और बन लेता हूँ, तीन डायग्राम चाहिए, इसमें दो दिए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ, ये धातु की एक प्लेट क्या है, इसको धनात्मक आवेश दिया गया है, इसको क्या किया गया, इसको धन आवेश दिया गया है, समझना, क्या दिया गया इसको, पॉजिटिव ए,
ये बी डायग्राम और ये सी डायग्राम, ठीक है। अब इतना दिया कि इसका विभव क्या हो गया अधिकतम, मतलब इसमें जितना आवेश हम संचित कर सकते थे उतना कर दिया, अब इससे ज्यादा आवेश संचित नहीं कर सकते क्योंकि हर एक की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मतलब आपको पता है धारिता क्या होगी, इसको आवेश दिया क्यों, इसका विभव कितना हो गया वी, तो धारिता सी बराबर क्या हो जाएगी क्यू बटा वी, क्या हो जाएगी इसको थोड़ा सा बराबर सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम एक से क्या होता है अब देखो प्रेरित ऋण आवेश चालक ए के ज्यादा पास है तथा यह कम अधिक प्रभावी होता है। अब देखो ये ऋणावेश क्या करेगा, ऋणावेश इसके विभव में क्या करेगा, कमी करेगा, और धनावेश इसका विभव क्या करेगा, बढ़ाएगा। पर ऋणावेश क्या है, नजदीक है, धनावेश क्या है, दूर है, इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो ए के विभव में कमी होगी। मान लो इसका विभव था कितना 100, इसने मान लो कितना कम कर दिया 20, इसने कितना बढ़ा दिया 10, तो 100 में से 20 जो 80, 80 प्लस 10 कितना हो गया 90, मतलब कुल मिलाकर इसके विभव में क्या होगी कमी, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विभव में क्या होगी कमी होगी, इसकी धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके विभव में कमी करके इसकी धारिता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद क्या किया इसने, आगे देखिए, इस प्रकार चालक ए के आवेश धारण करने की क्षमता को एक अन्य चालक बी को इसके पास लाकर बढ़ाया जा सकता है। अब यदि चालक प्लेट की बी को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो ये धनावेश जो था ये धनावेश इसमें चला गया, धनावेश जमीन में चला गया, परंतु ऋणावेश नहीं जा पा रहा क्योंकि ऋणावेश इस प्लस के आकर्षण से क्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये भूमिगत नहीं होता, पर जो धनावेश है वो भूमिगत हो जाता है, ऋणावेश भूमिगत नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार प्लेट बी पर केवल क्या रहता है, ऋणावेश रहता है, जिसके कारण ए का विभव काफी कम हो जाता है। इस प्रकार से प्लेट ए के अधिकतम विभव कम, मतलब उसका विभव कम हो गया, विभव कितना हो गया उसका 80। अब उसको 100 करने तक हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश कर सकते हैं, अब वो आवेश हो जाएगा और यही संधारित्र का क्या है सिद्धांत है। तो उसके आसपास हम एक अन्य प्लेट लाकर, उसके आसपास हम लोग एक अन्य प्लेट लाकर उस प्लेट को भूसंपर्कित करके विभव को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस पूरी बात का अच्छे से आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला वाला डायग्राम बनाना है, ए वाला, टोटल तीन डायग्राम है, ए बी और
होता क्या है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी, विभव में कमी करके धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया स्क्रीनशॉट, ये ले लें इसके बाकी वाला। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, क्यू नियत रखकर वी को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो सी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक संधारित्र का प्रतीक चिन्ह भी नीचे गिवन है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही नियत का और एक ही परिवर्ती का, दोनों का आप अच्छे से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात भी करेंगे, एक बार आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से। ये धारिता वाला पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। अब एक आज के लिए इतना ही करेंगे, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एक सूचना है आप लोगों के लिए। सूचना क्या है कि नवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी, 9 से 12 तक के विद्यार्थी स्कूल में आकर स्कूल में आए, और माता पिता का जो कंफर्मेशन है कि हम अपने बच्चों को स्कूल सहमति पत्र वो स्कूल से लेकर उसको जमा करवा के माता पिता के साइन करवा के स्कूल में क्या करें, जमा करवाना सहमति पत्र। ये थोड़ा सा काम आप लोग करें, क्योंकि स्कूल आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 सितंबर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है। तो आप जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट करें, ताकि हम लोग अच्छे से जब स्कूल ओपन होंगे तो आपको स्कूल में, क्योंकि बिना सहमति पत्र के आपको स्कूल में बैठने अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना काम करें, ठीक है। बाकी वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि सबको इसका फायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, आपका प्यार ही।